हेलो एवरीवन, अंजूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये दो तरह के बर्गर मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये चीज बर्गर है और ये मेयोनीज बर्गर। ये दोनों ही बर्गर बहुत ही टेस्टी बने हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। आप जब इस तरह से बर्गर बनाएंगे तो मार्केट के बर्गर बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए इन्हें बनाने स्टार्ट करते हैं। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू की टिक्की रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिए हैं ये चार मीडियम साइज के आलू, जिन्हें मैं बस इसी तरह से क्रश कर लूंगी। ये आलू एकदम ठंडे लेने हैं, इस बात का ध्यान रखें, गरम आलू नहीं होने चाहिए। आलू का मसाला तैयार करने के लिए हमने लिया है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। ऑयल गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम लो कर दूंगी और उसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 1 पिंच के करीब हींग, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच के करीब अदरक, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें डालेंगे हम मसाले, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार और 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं डालूंगी ये आलू और इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच चावल है जो मैंने पीस करके छान लिए थे। आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं या उबले हुए चावल भी ले सकते हैं। ये हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इससे जो ये चावल का आटा है ये आलू का पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो आलू का मसाला है वो ड्राई बनता है और आलू टिक्की एकदम क्रिस्पी बनती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आलू का मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे। ये मसाला हमने पूरा एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक आलू का मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम मैदा और कॉर्नफ्लावर का मिक्स तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है ये 1/4 कप मैदा और 1/4 कप ही कॉर्नफ्लावर, ये इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर रेडी करना है। बैटर ना तो ज़्यादा थिक होगा और ना ही ज़्यादा लिक्विड, मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर इसका हम रेडी करेंगे। ये बैटर बना के हमने रेडी कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से चाहिए। इसके अलावा हम लेंगे, ये मैंने पोहे को मिक्सी में पीस करके ले लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह ब्रेड क्रम्स का यूज भी कर सकते हैं। ये आलू का मसाला ठंडा हो गया है, अब हम इसकी टिक्किया बनाएंगे। हम थोड़ा सा इस तरह से मसाला लेंगे और उसको ऐसे टिक्के की शेप देंगे।
पहले हम ज्यादा पतली नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा पतली करने पर जब हम इसमें डिप करेंगे तो वो इजीली नहीं हो पाएगा, उसमें टिकिया का टूटने का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए अभी मैं थोड़ा साइज में छोटा और इसको मोटा बना रही हूँ, थिक बना रही हूँ। बाद में जब हम डिप कर लेंगे उसके बाद इसको और फ्लैट करेंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी। और बाकी आप आपके बर्गर की साइज के अकॉर्डिंग, बर्गर बन की साइज के अकॉर्डिंग टिकिया को बनाएं। इसी तरह से मैं सारे टिकिया बनाकर रख लेती हूँ। देखिए हमने सारे टिकिया बना के रख ली है, अब हम इन्हें इनमें डिप करेंगे। इसको मैं एक बार फिर से चला लेती हूँ। अब हमें एक हाथ से इस जो ये बैटर है इसमें टिकिया को डिप करना है और एक हाथ से इस क्रम्स में इस तरह से इसमें डिप करके इसे निकालेंगे और इसमें डालेंगे और फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे ताकि इसमें थोड़ा सा ये कोट हो जाए और दूसरे हाथ से इसके ऊपर इसको डालेंगे। देखिए और अब इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी की टिकिया भी करेंगे। ये देखिए सारी टिकिया मैंने कोट कर ली है। अब हम इसको थोड़ा सा हथेली पे इस तरह से रख के प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरह से। आलू टिक्की फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल लिया है और तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें टिक्की डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। नीचे से थोड़ा ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसे दूसरी साइड से सेकेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छे से सेक किया है। अब हम इसे इस तरह से टिश्यू पेपर पे निकालेंगे और सभी टिक्के इस तरह से फ्राई करेंगे। सारी आलू टिक्की हमने फ्राई कर ली है। ये मैं इसकी आवाज सुनाती हूँ आपको। पता चल रहा है ना कितना क्रिस्पी बनी है। अब हम सब्जियां देखते हैं। सब्जियां हमने सारी कट कर ली है। मैंने लिया है खीरा, प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब लेंगे हम बर्गर की ब्रेड। और इसे सेंटर में इसे इस तरह से नाइफ से कट करेंगे। इस तरह से ये दूसरी वाली भी मैं कट कर लेती हूँ। अब हम इनको तवे पर सेकेंगे। हमने एक तवा लिया है, तवा गर्म हो गया है। इसे लगाएंगे हम थोड़ा सा बटर। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इस तरह से बर्गर की ब्रेड को सेकेंगे। बर्गर की ब्रेड सिक गई है। ये देखिए अच्छे से। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इन्हें प्लेट में निकालेंगे। मैं आपको टू टाइप्स के बर्गर बनाना बताऊंगी। एक ये चीज बर्गर और एक मेयोनीज बर्गर। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाला बेस लेंगे और उसमें लगाएंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। इसके ऊपर हम रखेंगे खीरे की स्लाइस, टोमेटो
हरे थोड़े से पत्ता गोभी। उसके बाद हम इस पे रखेंगे ये आलू टिक्की। अब हम रखेंगे इस पे चीज की स्लाइस और इस पे ये थोड़े से पत्ता गोभी और रखेंगे प्याज की स्लाइस। इसमें भी हम थोड़ा सा सॉस लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए ये बर्गर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको मेयोनीज वाला बताती हूँ। ये नीचे वाली स्लाइस लेंगे, नीचे वाले इस पे हम लगाएंगे पहले सॉस, उसके बाद इस पे लगाएंगे मेयोनीज। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे खीरा, टमाटर, थोड़े से पत्ता गोभी, फिर रखेंगे इस पे ये आलू की टिकिया, फिर रखेंगे इस पे अनियन और ये पत्ता गोभी। और इसी तरह से ये ऊपर वाले पार्ट पे भी हम थोड़ा सा सॉस और मेयोनीज लगाएंगे। और इसे इसके ऊपर रखेंगे। दोनों टाइप के बर्गर बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा बर्गर बना है, मैकडोनल्ड जैसा। और ये मेयोनीज बर्गर ये भी बहुत ही शानदार बना है। आपको यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।